नमस्कार और स्वागत है आपका हेलो इंग्लिश के तीसरे लेसन के दूसरे भाग में, जिसमें हम सीखेंगे किसी से पूछना कि वे कहां से हैं। याद कीजिए कि इसी लेसन के पहले भाग में हमने बताना सीखा था हम कहां से हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया, यानी मैं भारत से हूं, और आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान, मतलब मैं राजस्थान के एक छोटे शहर से हूं। चलिए आइए हम आज के इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि हम किसी से कैसे पूछेंगे कि वे कहां से हैं। सबसे पहले आइए सीखते हैं एक नया शब्द, वेयर, यानी कहां। मेरे पीछे दोहराइए, वेयर, वेयर, वेयर। याद हो गया? नहीं तो आइए सुनते हैं ये फेमस बॉलीवुड सॉन्ग, जिसको सुनकर आपको ये वर्ड हमेशा याद रहेगा। जी हाँ, जैसे इस गाने में Where's the party tonight का जिक्र हो रहा है, Where is the party tonight का मतलब है आज रात पार्टी कहाँ है। तो फिर हो गया ना, Where का मतलब कहाँ, अब याद रहेगा ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ से हैं का अंग्रेजी में अनुवाद है Where are you from। Where यानी कहाँ, are यानी है, you मतलब आप, और from जैसा हम जानते हैं होता है से। पर जी हाँ, ध्यान दीजिए कि इस बार भी अंग्रेजी में इस वाक्य या फिर सवाल की संरचना हिंदी से उल्टी है। ऐसी क्यों है, आइए समझते हैं। तो पहला रूल मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी में अक्सर जो सवाल होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। यहां पर वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए वेयर इस सवाल के शुरुआत में आता है। दूसरी बात, इस बात का और याद ध्यान रखिए कि वेयर या क्वेश्चन वर्ड के बाद अक्सर हेल्पिंग वर्ब या क्रिया आती है, और यहां पे क्रिया है आर, इसलिए वेयर के जस्ट बाद आर आ रही है। तीसरी बात, वेयर और आर माने क्वेश्चन वर्ड और वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। इस वाक्य इस सवाल का विषय है यू, और इसीलिए यू तीसरी पोजीशन में है, और इसके बाद आता है जो हमारा शेष सवाल है उसका स्ट्रक्चर। तो ज्यादातर इंग्लिश क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, और ये हम विस्तार से समझेंगे अपने आगे के लेसन में। अभी के लिए इस सवाल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपको ये हमेशा याद रहे। हाय, व्हाट इज योर नेम? हेलो, आई एम पीटर। हेलो पीटर, माय नेम इज रोज, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। ग्रेट, आई एम फ्रॉम अ टाउन इन कनाडा। चलिए एक और सवाल आपके लिए, रिक्त स्थान भरिए। आप कहां से हैं को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? Where dash from? You are you, या फिर your? और सही जवाब है Where are you from? Where you are from सही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में प्रश्न शब्द के ठीक बाद आर आएगा। और ये भी आप जानते हैं कि where your from भी सही नहीं है, क्योंकि your का मतलब है आपका, you are मतलब आप हैं, और आप कहां से हैं मतलब where are you from। एक और खास बात पर ध्यान दें, आप सोच रहे होंगे कि you के साथ is क्यों नहीं लगता, और ये इसलिए है क्योंकि ज्यादातर अंग्रेजी में इसका बहुवचन रूप आर होता है। एक वचन व्यक्ति या वस्तु के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, परंतु यू एक विशेष केस है, यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, और ये चीज हम अपने अगले लेसन में भी सीखेंगे। चलिए एक और सवाल आपके लिए, वेयर का मतलब क्या होता है, क्या, कहां, कैसे या फिर क्यों? और सही जवाब है जी हां, कहां। वेयर का मतलब है कहां, फ्रॉम का क्या मतलब होता है, चलिए अब ये बताइए। आपके ऑप्शंस हैं से, कैसे या फिर पर। जी हां, सही जवाब है से, ये हमने अभी पहले भी देखा है।
चलिए एक और सवाल आपके लिए, सही शब्दों को क्रम में, उचित क्रम में जमा कर इस सवाल का जवाब दीजिए। आप कहां से हैं का अनुवाद कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं एम, यू, फ्रॉम, आर, वेयर और योर। सही जवाब है वेयर, आर, यू, फ्रॉम। आज हमने सीखा किसी से पूछना कि वो कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम जयपुर। आप कहां से हैं हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और टैग कीजिए अपने फ्रेंड्स को भी जो कि आप ही के सिटी या टाउन से हो। चलिए इसी तरह हमारे साथ अंग्रेजी प्रैक्टिस करते रहिए, अगले लेसन में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक बात मैं दोबारा याद दिला दूं, आपको यदि ये कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है तो नीचे दिया गया लिंक पर क्लिक कीजिए, उससे आप खेल पाएंगे गेम्स जो कि आपको इस कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कराएगा और सील करेगा ये कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए। मैं हूं निशांत, हेलो इंग्लिश ऐप का फाउंडर, और मैं मिलूंगा आपसे अगले लेसन में जिसमें आप बनाएंगे अपनी अंग्रेजी की फाउंडेशन बेसिक टू बी वर्ब का इस्तेमाल सीखकर। तब तक के लिए अलविदा, हैप्पी लर्निंग ऑन हेलो इंग्लिश, हेलो कॉन्फिडेंस।